Today we have one of our placed candidate with us. The company is Google, first of all, and we are just here to take a review. So I was like obviously looking for an IT job, but due to lack of skills, I like was not able to get into that field. But later on, at some point, I had that in my mind ki mereko join karna hai isko, IT mein jana hi jana. One of my friend who is currently studying here and also pursuing MCA, so he recommended me this place ki अगर तेरे को कोडिंग अच्छे से सीखना है लाइक प्रॉपर डेप्थ में व्हिच इज बेसिकली रियल कोडिंग तो आप क्यू स्पाइडर्स में आओ एंड द एक्सपीरियंस इज गुड फैकल्टीज आर गुड जो कि यूजुअली हर इंस्टीट्यूट्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता टॉपिक नहीं समझ आ रहा है कुछ भी एक्स वाई जेड ए टू जेड जो भी रीजन हो सकते हैं वो मेरे सारे सॉर्ट आउट हुए ऑब्वियसली मैं गूगल में प्लेस हुआ उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो मेरे से पूछा उस हिसाब से मेरे को काफी बेटर परफॉर्मड हो गए थे आपको जावा आ कितनी जगह रही है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपको डेवलपर में जाना है तो आप मैनुअल नहीं ले सकते या मैनुअल में जाने तो डेवलपर में नहीं ले सकते ऐसा कुछ नहीं है आपका जिसमें दिल कर रहा है आप गेट खोल के बैठ जाओ अगर आप आईटी में जा रहे हो ना तो आप इतने डम तो नहीं होगे कि देखो आप टाइम पास करने आ रहे हो तो आपको पता लग जाता है कि आपके पास पहली चीज तो टाइम नहीं है वेस्ट करने को देखो आपको आप अंदर से फील हो जाएगा कि यार मेरे लिए क्या राइट है एक बार आप ट्राई करके देखो सो दे कंप्लीटली सेड नो तो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मैं पे कर रहा हूँ राइट आप लोग पढ़ा रहे हो ठीक है और बट उसके बाद भी अगर वो चीज मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं होती तो फिर वर्थ नहीं ना वो मेन चीज तो मेरे लिए वो बेनिफिट है मैं नहीं भी आ रहा तो वो भी मेरा कोर्स कवर हो रहा है एक पॉइंट के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि ना मेरे से लापरवाही हो रही है या मैं पढ़ नहीं पा रहा वो होगा ही वो अपने आप ही आपका कवर होता चला जाएगा तो अगर आप सोचो कि यार मेरा ये छूट गया या मेरा वो छूट गया ये कैसे कवर होगा भाई वो हो जाएगा पर आप सोचो कि बिल्कुल ही टफ होगा मैं कर नहीं पाऊंगा ऐसा नहीं खड़े दोनों एक ही लेवल पे आप कुछ कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा तो उसका वो स्टार्टिंग से करा हुआ भी जीरो yes. तो नॉन टेक्निकल का है और क्या टेक्निकल का है चीजें सेम है आपको पढ़ना पड़ेगा आप पढ़ोगे तो सीख ही जाओ और इन डेप्थ कि भाई वो कैसे काम करता है राइट अगर लेट्स सपोज एसक्यूएल की 10 लेयर्स है ना एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 10 लेयर्स है तो वो 10th लेयर की कितनी लेयर है ना आपको वो भी बताएंगे लाइक प्रॉपर इन डेप्थ जाके तो वो चीज का बेनिफिट है जब मेरे को इतना डीपली पता लग रहा है ठीक है मेरे को नॉलेज आ रही है उसके बाद अगर मेरा कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है तो मेरे से कहीं तक भी पूछ ले मेरे को तो पता नहीं रिक्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे ना तो रिक्वायरमेंट्स तो आती है अच्छी आती है लोग तो उसका ये है कि देखो अगर आप पढ़ रहे हो और आपके पास रिक्वायरमेंट आई है और आपने उसमें एनरोल करा है ना तो फिर तो सिलेक्शन पक्का ही है क्योंकि अगर आप भी कॉन्स्टेंटली पढ़ाए जा रहे हो बट स्टिल सामने वाला बंदा नहीं पढ़ रहा उस चीज को तो आप जबरदस्ती नहीं पहुंच कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको रिक्वायरमेंट चाहिए EY डेलॉयट जैसी कंपनी की IBM जैसी कंपनी की पढ़ा भरे नहीं Hello viewers, my name is Afroz and welcome back to QSpiders Delhi Branch Placement Series. Today we have one of our placed candidate with us, name is Sarthak Malik and we are just here to take a review. So we'll start with this. First of all, Sarthak Malik, I really congratulate you. Thank you. And I'm very happy that you have got placed. The company is Google, first of all. So Sarthak, yes, just tell whatever kind of experience you have felt here in this Delhi branch. See, okay. So, hi guys. My name is Sarthak Malik, and I have completed my graduation 2 years ago in 2022, and I've done basically Bachelor's of Computer Application, which is known as BCA. So, after completing that BCA graduation, so I was obviously looking for an IT job, but due to lack of skills, I was not able to get into that field. So, and eventually COVID just arise at that time. So I was working in different field, but later on at some point I had that in my mind ki mereko join karna hai isko, IT mein jana hi jana hai. And ek ded saal baad, do saal baad, one of my friend who is currently studying here and also pursuing MCA, so he recommended me this place ki agar tere ko coding achhe se seekhna hai proper depth mein, which is basically real coding. So aap QSpiders mein aao, join karo. डेमो क्लासेस लेके देखो अगर आपको चीज समझ में आती है आप ज्वाइन कर सकते हो एंड उसके बाद सिंस जनवरी एंड टिल दिस टाइम आई एम हियर एंड द एक्सपीरियंस इज गुड फैकल्टीज आर गुड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग व्हिच आई मोस्ट एडमायर अलॉट व्हिच इज बेसिकली
क्लास टाइमिंग, लाइक ऑब्वियसली मैं जॉब भी कर रहा हूँ है ना, पढ़ भी रहा हूँ, तो मेरे को जैसे क्लासेस की दिक्कत होती है कि मेरे को अगर ये टाइम पर्टिकुलर चाहिए तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को क्लासेस के टाइम मैनेजेस हो रहे हैं, जो कि यूजुअली हर इंस्टीट्यूट में आपको ये यू नो ऑप्शन नहीं मिलता, बिकॉज 10 या 15 बच्चे आपके लिए स्पेशली नहीं यू नो मैनेज करेंगे वो चीज. बट हाँ, सडन जब से मैं लाइक पढ़ रहा हूँ जनवरी से अभी तक, अगर मेरे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मेरी क्लासेस हों, चाहे वो लाइक कोई मेरे को टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी एक्स वाई जेड ए टू जेड जो भी रीजन हो सकते हैं, वो मेरे सारे सॉर्ट आउट हुए. और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मेरे को ये मिला, ऑब्वियसली मैं गूगल में प्लेस हुआ तो मेरे को बेनिफिट ये मिला कि ठीक है, वो मेरा लाइक जो रोल था उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने जो मेरे से पूछा उस हिसाब से मेरे को काफी बेटर यू नो आई लेस परफॉर्म्ड ओवर देयर. ऑब्वियसली थोड़ा सा आया वो लाइक नर्वस ऑब्वियसली यू नो कि वो लोग क्या पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पता बिकॉज ऑब्वियसली गूगल है. बट या जितना उन लोगों ने पूछा वो मेरे को बहुत अच्छे से आता था, तो उसका मेरे को बेनिफिट ये कि मेरे टीचर्स ने जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करा ना, वो बहुत मेरे को हेल्प करा उसमें. ओके, सो दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग मैम. ओके, एंड सो और एक बात आपसे मुझे जाननी थी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सजेशन वुड यू लाइक टू गिव फॉर द न्यू जॉइनर्स. सी, फॉर न्यू जॉइनर्स, डोंट ट्राई टू लाइक फाइंड इट ऑन गूगल और यूट्यूब और एनीवेयर, और डोंट जस्ट सिंपली गो टू लाइक यू नो किसी की बातों में मत आओ कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है. भाई देखो सर, सबसे बेसिक फैक्टर है कि आपको पे हर जगह ही करना, ठीक है. डिपेंड ये होता है कि आप पे करने के बाद जो आपने मनी पे करा ना, वो आपको सिंगल पेनी भी जो आपने पे करा है आपको वर्थ हो रहा है नहीं हो रहा है, मेन चीज वो डिपेंड करती है. बिकॉज इंस्टीट्यूट और भी हैं, कोर्सेज और भी आपके पास है, बट डिपेंड ये करता है कि भाई अगर आप जावा दो जगह सीख रहे हो और जावा आप यहाँ भी सीख रहे हो, और आपको जावा आ कितनी जगह रही है. ओके, तो इस हिसाब से मैं न्यू कॉमर्स को ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार आओ. ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू ही आप लोगों को पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट है ना, कि स्पाइडर्स दिल्ली ब्रांच है. तो आप एक बार आओ, देखो आपको अंदर से फील हो जाएगा कि यार मेरे लिए क्या राइट है, एक बार आप ट्राई करके देखो. मेरे को भी किसी ने रिकमेंड करा था, और ऑब्वियसली रिकमेंड करने के बाद आई टोल्ड यू कि मैं यहाँ पे हूँ. सो आप ये भी बोल रहे थे कि आप वर्किंग पर्सन हो, सो काम भी करते हो. आई थिंक वीकेंड बैचेस प्रेफर किया था सर. पहले मेरा ये था कि लाइक थोड़ा यू नो फॉर फाइनेंशियल स्टेबल, तो मेरे को जॉब करनी पड़ गई थी. हाँ, उसके लिए मेरे को बेनिफिट ये मिला था कि यहाँ आने से पहले जैसे ऑब्वियसली मैंने इंक्वायर करा था 2-3 इंस्टीट्यूट में और भी कोर्सेज के लिए, तो उनको मैंने ये चीज पहले ही मैं सबको क्लियर करके चल रहा था कि शायद मेरे को ना आगे जाके थोड़ा जॉब का मेरा प्रेफरेंस हो सकता है कि मैं मिड कोर्स जॉब स्टार्ट कर दूँ. तो विल यू गाइस वांट टू गिव मी लाइक यू नो क्लासेस ऑन वीकेंड्स और लाइक ऑनलाइन, हाउ यू गाइस प्रेफर. सो दे कंप्लीटली सेड नो. ओके, और क्योंकि लाइक अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपका जो टाइमिंग है आप वही लोग, आप चेंज नहीं कर सकते. तो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, लाइक मैं पे कर रहा हूँ राइट, आप लोग पढ़ा रहे हो ठीक है, और बट उसके बाद भी अगर वो चीज मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं होती तो फिर वर्थ नहीं ना वो. और यहाँ मेरे को ऐसा है कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं 2 दिन नहीं आ पा रहा किसी कारण ना, या वीकेंड पे मेरा अगर क्लासेस है और मैं 2 वीकेंड्स पे आ ही नहीं रहा, सैटरडे संडे में नहीं आया, तो मेरे को बैकअप मिल जाता. ओके, मेन चीज तो मेरे लिए वो बेनिफिट है, मैं नहीं भी आ रहा तो भी मेरा कोर्स कवर हो रहा है. ओके, सो समवेयर आपका जो एक्सपेक्टेड कंटेंट था सो उसको कवर करके दिया गया है. इट्स लाइक कि मैं अगर एक पॉइंट के लिए मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि ना मेरे से लापरवाही हो रही है या मैं पढ़ नहीं पा रहा, वो होगा ही, वो अपने आप ही आपका कवर होता चला जाएगा. तो अगर आप सोचो कि यार मेरा ये छूट गया या मेरा वो छूट गया, ये कैसे कवर होगा, भाई वो हो जाएगा, टेंशन नहीं. ओके, हाँ ऑब्वियसली ध्यान आपको भी देना पड़ेगा, बट हो जाएगा. फाइन, नाइस मैन. सो बेसिकली और एक चीज है जो जनरली बहुत सारे लोग जब भी हमारे पास इंक्वायरीज वगैरह आते हैं, सो कॉमन क्वेश्चन होता है, बट बहुत सारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी आते हैं और पूछते हैं कि नो आई एम फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, नॉन आईटी इंडस्ट्री बेसिकली, सो लाइक समवट ये टफ नहीं होगा मेरे लिए, ऐसे पूछते हैं. तो व्हाट वुड यू सजेस्ट. देखो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का तो सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात, नॉन आईटी इंडस्ट्री. हाँ, नॉन आईटी इंडस्ट्री उसका सबसे कॉमन सा एक सोल्यूशन है. नॉन टेक्निकल का जो होगा, नॉन आईटी वाला जो बंदा होगा, जो आर्ट्स कॉमर्स साइड वाले हैं, उन्होंने ऑब्वियसली ये चीज नहीं पढ़ी तो उनको इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है राइट. और साइंस साइड वालों को थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी होती है कि हाँ भाई ये आईटी सेक्टर है, इसमें ये सेक्टर्स होते हैं, ये चीजें होती है जो हमें आगे जाके फ्यूचर पढ़नी पड़ेगी. और वो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा गैदर करना चालू कर देते हैं. अब एक बंदा उस चीज को पहले पढ़ता आ रहा है और एक बंदा उसको सडनली स्टार्ट करता है, तो उसके लिए थोड़ा टफ होगा. पर आप सोचो कि बिल्कुल ही टफ होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है. खड़े दोनों एक ही लेवल पे, आप कुछ कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा, तो उसका वो स्टार्टिंग से करा हुआ भी जीरो है. सो नॉन टेक्निकल गाय भी बहुत आराम से कर सकता है. So, consistency means definitely, वो तो सर चाहे आईटी का हो या ना हो, जॉब वालों को भी अगर कुछ, मैं कह रहा हूँ जिनको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा अपने यू नो आईटी सेक्टर में, करियर में अच्छी पैकेजेस पे होंगे, और उनको पता है कि अगर सीखना तो ऑब्वियसली वो भी तो टाइम दे रहे हैं ना. यस, उनको भी थोड़ी आती है वो चीज़.
Yes. तो वो तो नॉन टेक्निकल का है और क्या टेक्निकल का है, चीजें सेम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ोगे तो सीख ही जाओगे। ओके, सो और एक बात आपसे जाननी थी कि जो भी काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, सो वो एक अपर लेवल में होती है या फिर डेप्थ आपको मतलब कैसा है, क्या है आपका? सर इट्स लाइक कि जैसे एसक्यूएल का मेरा जो हुआ था, क्लास में बताता हूँ आपको, एसक्यूएल का ऐसा था कि लाइक प्रॉपर एसक्यूएल की स्पेलिंग से लेकर और इन डेप्थ कि भाई वो कैसे काम करता है, राइट? अगर लेट सपोज एसक्यूएल की 10 लेयर्स है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 10 लेयर्स है, तो वो 10th लेयर की कितनी लेयर है ना, आपको वो भी बताएंगे लाइक प्रॉपर इन डेप्थ जाके। तो वो चीज का बेनिफिट है, जब मेरे को इतना डीपली पता लग रहा है, ठीक है, मेरे को नॉलेज आ रही है, उसके बाद अगर मेरा कहीं पर इंटरव्यू हो रहा है तो वो मेरे से कहीं तक भी पूछ ले, मेरे को तो पता नहीं। सो समवट टेक्निकल स्ट्रेंथ मिल गया, सो डीप नॉलेज मिल गया, आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर हो रहा है तो आप जो है कहीं ना कहीं लाइक कोडिंग पार्ट फेज भी आपका ऑब्वियसली क्लियर हो गई होगा ना, वो चीज है। ओके, रिक्वायरमेंट के रिलेटेड क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स हासिल कर लिए बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए प्लान, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए कंपनीज के। सो आप भी यहाँ के स्टूडेंट थे तो क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहते हो आप रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग? रिक्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे ना तो रिक्वायरमेंट्स तो आती हैं, अच्छी आती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आप किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रही है लाइक यू नो एम्प्लॉयज के लिए, तो उनके भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेरे को अगर ये एम्प्लॉय चाहिए तो इसका एटलीस्ट इतना पार्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक कोडिंग का हो गया या जो भी है। तो उसका ये है कि देखो अगर आप पढ़ रहे हो और आपके पास लाइक रिक्वायरमेंट आई है और आपने उसमें एनरोल करा है ना, तो फिर तो सिलेक्शन पक्का ही है, वो चीज है। रिक्वायरमेंट प्रॉपर आती है बट एंड ऑफ द डे वही वाला सीन है कि देखो आपको सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करोगे या पढ़ोगे नहीं अपना, तो फिर वही वाली बात है। यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप भी कॉन्स्टेंटली पढ़ाए जा रहे हो बट स्टिल सामने वाला बंदा नहीं पढ़ रहा उस चीज को, तो आप जबरदस्ती नहीं पहुंच कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो चीज, एक होता है यू नो वन साइडेड एफर्ट जानना, एक होता है टू साइडेड म्यूचुअल एफर्ट करना। आपको रिक्वायरमेंट चाहिए तो एफर्ट्स मैटर करते हैं, क्योंकि मेरे केस में भी ऐसा होता है कि लाइक मैं जब पढ़ रहा था तब भी मेरे पे रिक्वायरमेंट आई थी बट ऑब्वियसली मेरा कोर्स हुआ नहीं था, तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट यू नो फिनिश इट फर्स्ट, देन मैं एक बार इसको अच्छे से करूंगा, बिकॉज़ क्या पता कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, पैकेज और अच्छा। ओके सो नाइस मैन, लिटरली आई वाज वेरी हैप्पी विद योर रिव्यूज। एंड और एक बात जाननी थी कि अगर आप रेट करना चाहो लाइक आउट ऑफ 5, अगर आपके एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आप कुछ आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग देना पसंद करोगे आप फॉर दिस पर्टिकुलर दिल्ली ब्रांच? I'll meet you back in the next placement series. Till that, take care of yourself. Bye-bye. Have a good day.